नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे गाजर की खीर। इसके लिए 300 ग्राम गाजर मैंने कद्दूकस कर ली है और 2 लीटर दूध लिया है और 2 घंटे पहले मैंने 2 चम्मच के करीब साबुदाना भिगो दिया था। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। दूध हमारा बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें जो साबुदाना भिगोया था उसको डाल देंगे और दूध को थोड़ा हिलाएंगे ताकि इसकी गांठ ना बने। अब साथ साथ ही हम जो गाजर कद्दूकस की है वो भी इसमें छोड़ देंगे। अब फिर से हम हिलाते हुए गाजरों को कम से कम 10 मिनट और पकाएंगे दूध को। दूध हमारा पककर तकरीबन आधा हो चुका है और गाजर भी गल चुकी हैं। अब हम इस स्टेज पर 3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर को दूध में घोलकर धीरे धीरे डाल देंगे इसमें, इससे गाढ़ापन आएगा और रबड़ी जैसा टेस्ट भी आएगा खीर का। फिर 2 मिनट और पकाएंगे हम इसे। अब हम खीर में थोड़ा इलायची पाउडर और 100 ग्राम के करीब चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। गाजर भी मीठी हैं और मिल्क पाउडर भी मिठास होता है उसमें, इसलिए मैंने 100 ग्राम के करीब चीनी डाली है। अब हम थोड़े घी में काजू और बादाम को भून लेंगे, थोड़ा भून के डाल लेंगे ताकि क्रंची टेस्ट आए बादाम का काजू का। आप चाहें तो कच्चे भी डाल सकते हैं और जो भी सूखे मेवे लेना चाहें, पिस्ता वगैरह सब ले सकते हैं। थोड़ा भून लेंगे, उसके बाद हम किशमिश भी डालेंगे इसमें। अब खीर में हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। गैस को करेंगे बंद हम। तो तैयार है हमारी सर्दी में गर्मा गर्म खीर। सभी को बहुत पसंद आने वाली है ये खीर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।